दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि रिंच को किस तरह यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, और इसको यूज़ करने से पहले हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास टॉर्क रिंच है। तो जब भी आप टॉर्क रिंच को यूज़ करोगे, इससे पहले उसके ऊपर कुछ चीज़ें नोटिस करनी है। सबसे पहले उसकी कैलिब्रेटेड डेट देखनी है कि वो उसी कैलिब्रेटेड डेट एक्सपायर तो नहीं हुई है। अगर उसकी कैलिब्रेटेड डेट एक्सपायर है तो आपने क्या करना है, वो टॉर्क रिंच को यूज़ नहीं करना है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने किसी भी नट को, किसी भी बोल्ट को आपने क्या करना है, टॉर्क देना है। टॉर्क देना है तो इस पे टॉर्क किस तरह सेट करते हैं, ये हमारे पास टॉर्क रिंच है। इस पे टॉर्क किस तरह सेट करना है तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेरे पास ये जो टॉर्क रिंच है, इसके ऊपर ये इसकी स्केल है। अब स्केल के ऊपर इस पे दो यूनिट में नंबरिंग दी गई है, एक हमारे पास न्यूटन मीटर में है और दूसरी है क्या है, किलोग्राम मीटर किलोग्राम में। तो अब हमें क्या करना है, इसको सेट किस तरह करते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास स्केल है, यहाँ पे इसमें न्यूटन मीटर और यहाँ पे दूसरी स्केल है। तो क्या इसको हम किस तरह सेट करते हैं, आपको यहाँ पे एंड पे यहाँ पे ये बोल्ट टाइप का नज़र आएगा। इसको हमने क्या करना है, खींच के बाहर निकालना है। खींच के बाहर निकाल के हमने क्या करना है, इसको घुमाना है। इसको जब हम घुमाएंगे ना, आप देखो ये इसका पोर्शन ये मूव कर रहा है, ये देखो इसको क्या कर रहा है, पोर्शन मूव करेगा। अब यहाँ पे स्केल पे नंबरिंग दी गई है। अब हम जिस जो जो सी वैल्यू हमें सेट चाहिए उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल हम क्या करेंगे, ये मेन स्केल के साथ लाके जिस वैल्यू पे हमें सेट करना है उसके साथ हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। जब भी हमारे अलाइन होगा वो हमारे टॉर्क सेट होगा, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से दोबारा फिक्स करेंगे, फिक्स करेंगे। अब हम इस पे आ जाते हैं, ये है हमारा जी। अब इस पे सॉकेट लगेगी, आपको जॉनसन नंबर की सॉकेट चाहिए, आप क्या करोगे, इसके ऊपर वो सॉकेट लाके फिक्स करोगे और नट को टाइट करना स्टार्ट करोगे। अब जब भी नट को टाइट करोगे, आपने जो स्पेसिफिक टॉर्क सेट किया है, तो जब उस टॉर्क के ऊपर जब आप आ जाओगे तो क्या करेगा, ये क्लिक की क्या करेगा, आवाज़ निकालेगा। तो आप ये जब क्लिक की आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करेगा तो आपने उससे ज़्यादा इसको टॉर्क नहीं करना है। तो इसी टॉर्क पे आपने क्या करना है, जब क्लिक की आवाज़ निकालेगा तो 5 सेकेंड तक आपने उसको होल्ड रखना है। होल्ड रखने के बाद आपने क्या करना है, इसको दोबारा रिमूव कर देना है। तो इसको यूज़ इसी तरह करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो।